get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योति ब्यूटी फैशन के ऊपर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ अपना ड्रेस मटेरियल शेयर करना चाहिए। जैसे कि इसमें मैं आपको पार्टी वेयर ड्रेस दिखाऊंगी जो कि आप फेस्टिवल सीजन में बहुत ही आसानी से वेयर कर सकते हैं, और बिल्कुल भी आपको पहनते समय कुछ भी ऐसे इचिंग या कुछ भी ऐसे होने नहीं वाला है। बहुत ही प्यारे प्यारे और लाइट वेट ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि फेस्टिवल सीजन में अभी सबसे पहले नवरात्रि आने वाले हैं, तो नवरात्रि में हमें बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस चाहिए होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही प्यारी सी एक लहंगा चोली, जिसका ब्लाउज कुछ इस तरह से है। बहुत ही प्यारा सब इसमें प्रिंट वर्क हुआ है, साथ में यहाँ पे गोटा पट्टी लगी हुई है, और साथ में यहाँ पे धागे की कढ़ाई का वर्क किया गया है। देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा इसका ब्लाउज बनाया गया है, बहुत ही प्यारी धागे की कढ़ाई की हुई है, और साथ में कुछ मिरल भी लगे हुए हैं बीच में, और कुछ इस तरह के इसमें लटकन भी मिलते हैं हमें, और बैग कुछ इस तरह से सिंपल बनाया गया है, और बैग पे कुछ इस तरह का फ्लावर प्रिंट है जो कि बहुत ही प्यारा है इसका ब्लाउज। और आजकल फ्लावर प्रिंट बहुत ही ट्रेंड में चले हुए हैं, जो कि इस तरह की चनिया चोली बहुत ही ट्रेंड में चली हुई है। इसमें नीचे की चोली बताती हूँ अभी मैं। इसमें नीचे की चोली हमें कुछ इस तरह की मिलती है, फुल फ्लावर वर्क प्रिंट में मिलती है, बहुत ही प्यारी। और ये इसका कपड़ा जो है वो जॉर्जेट का है, बहुत ही इसमें पहनने में आप बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे, बहुत ही प्यारा और सॉफ्ट सा कपड़ा है। और नीचे बॉर्डर पे कुछ इस तरह का वर्क किया गया हुआ है धागे की कढ़ाई का, जो कि बहुत ही प्यारी लहंगा चोली है। ये आप किसी भी फंक्शन में इसको वेयर कर सकते हो, जैसे नवरात्रि में गरबा के लिए कोई ड्रेस चाहते हो तो भी आप इसको ले सकते हो। बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें फ्लावर प्रिंट दिए गए हैं, और बहुत ही लाइट वेट है। ऐसे देखने में कितनी हैवी सी लग रही है, पर बिल्कुल भी ऐसे भारी नहीं है, ये बहुत ही लाइट वेट है। तो अभी मैं दिखाती हूँ इसके साथ चुन्नी, बहुत ही प्यारी सी इसके साथ चुन्नी हमें मिलती है, कुछ इस तरह की हमें इसमें चुन्नी मिलती है, जो कि कुछ इस तरह के इसमें लटकन लगाई हुए हैं, और साथ में यहाँ पे सीक्वेंस वर्क का कुछ काम किया हुआ है इसमें चुन्नी में। बहुत ही प्यारी चुन्नी और बहुत ही लाइट वेट है, ये नेट की चुन्नी ही हमें इसमें मिलती है। सो फर्स्ट हमारी ड्रेस ये हो चुकी है। सेकंड मैं आपके साथ एक और चनिया चोली शेयर करती हूँ, जो कि यहाँ पे कोई हॉल वीडियो नहीं हो रहा है, ये मेरी पर्सनली ड्रेस कलेक्शन है।
जो मैंने सोचा कि फेस्टिवल सीजन भी आ रहा और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि मुझे इस तरह से शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट हमारी ड्रेस है ये वाली, इसमें नीचे कुछ इस तरह का येलो कलर का हमें चोली मिलती है। ये भी जॉर्जेट में है, बहुत ही प्यारा सा इसका डिजाइन किया हुआ और बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत ही प्यारा सा। इसमें नीचे तक ऐसे ही है, कोई भी वर्क आपको इसमें नहीं, बस छोटे छोटे ये फूल बनाए गए हैं, बहुत ही प्यारा है ये भी, बस इस तरह से नीचे तक आपको मिलेगा ये। इसके साथ ऊपर हमें इस तरह गोल घेरे वाली एक फ्रॉक टाइप मिलती है, जिसमें बहुत ही प्यारी सी ये हैवी वाली ड्रेस है, बट देखने में हैवी लग रही है पर बहुत ही लाइट वेट है ये। और ये इसका जो ऊपर का ये फ्रॉक है ये सी ग्रीन कलर में है, और इसमें बहुत हैवी वाली कढ़ाई की हुई है, साथ में मिरर वर्क किया हुआ है और कुछ बीच में स्टोन्स भी हैं ये वाले, जैसे आपको यहाँ पे ये स्टोन दिख रहे होंगे बीच में। बहुत ही प्यारा ड्रेस मटेरियल है ये भी। तो एक बार मैं आपको इस तरह से फूल बता देती हूँ, इसके साथ हमें बहुत ही, क्योंकि जो कि हमारी ड्रेस जो है वो थोड़ा सा हैवी में बनाई गई है, तो इसके साथ हमें बहुत ही सिंपल सी एक नेट की चुन्नी मिलती है, जो कि कुछ इस तरह से बहुत ही सिंपल है। अब आपकी मर्जी है, आपको अलग से इसके साथ चुन्नी लेनी है तो आप ले सकते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। सो ये हमारी सेकेंड ड्रेस थी। उसके बाद जो मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है वो वाली मैं आपके साथ अभी लास्ट ड्रेस है मेरी ये वाली अभी शेयर करने वाली हूँ। उसमें भी आपको लहंगा चोली ही मिलेगी, बहुत ही प्यारे प्यारे लहंगा चोली हैं ये। आप किसी भी फंक्शन वेडिंग पे या दिवाली पे या अभी नवरात्रों में कोई भी फंक्शन पे आसानी से वेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसे अनकम्फर्टेबल फील नहीं होने वाला है। बहुत ही प्यारे बहुत ही लाइट वेट बनाई गई है ये ड्रेस। तो नेक्स्ट हमारी ड्रेस है कुछ इस तरह से एक सेकेंड, तो कुछ ओके, तो फाइन, तो इस तरह से हमारी जो लास्ट और फाइनल ड्रेस है कुछ इस तरह से उसका ब्लाउज है। हैवी वाले वर्ग में आपको ये ब्लाउज मिलता है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, और ये भी सी ग्रीन में है बट इसमें थोड़ा सा चेंज दिखा रहा है ये कलर। और इसमें भी बहुत ही प्यारा सा नेक पे डिजाइन किया हुआ है और साथ में पूरा ही धागे की कढ़ाई का वर्क है और बीच बीच में इसमें स्टोन भी है और तिल्ले की धागे की कढ़ाई है। ये बहुत ही प्यारी है, नाइट फंक्शन में आप इसको पहनोगे तो बहुत ही प्यारी लगती है। हाँ डे में भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट नाइट में ज़्यादा लाइटिंग होती है तो ज़्यादा ड्रेस से हमारी खिल के आती हैं, और कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ इस तरह के बाजू दिए गए हैं जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चले हुए हैं, और बाजू पे भी बहुत ही प्यारा सा कुछ इस तरह सा वर्क है, तो कुछ इस तरह के हैं बाजू। और बैक हमें इस
इसका जो है कुछ इस तरह से मिलता है। बैक इसका डीप है और कुछ इस तरह की इसमें लटकन मिलती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ इसके साथ हमें चोली कौन सी मिलती है। इसके साथ बहुत ही प्यारी सी चोली है और बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका। तो कुछ इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी चोली हमें मिलती है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल पूरा कढ़ाई की हुआ है, इसके धागे का वर्क है, कोई भी ऐसे कोई मिरल वर्क कुछ नहीं है, पर फिर भी बहुत शाइन कर रही है ये। ये देखिए कुछ इस तरह की चोली हमें मिलेगी। नीचे तक आपको इसी तरह का वर्क मिलेगा इसमें। एक बार मैं पूरा आपको बताती हूँ, क्योंकि ये वाले ड्रेसें जो हैं, लहंगा चोली जो हैं, जो फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो कुछ इस तरह की हमारी ये ड्रेस है और इसके साथ जैसे कि आपने देखा इसका जो ब्लाउज है वो भी हैवी में है और जो इसकी चोली है वो भी हैवी में है। तो इसके साथ हमें बहुत ही लाइट वेट सी चुन्नी मिलती है जो कि बिल्कुल सिंपल है। अब चुन्नी को आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। इसके साथ कोई भी चुन्नी आप अगर हैवी में रखना चाहते हो तो हैवी चुन्नी भी लगा सकते हैं, बट हैवी हम इसके साथ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसमें जो वर्क है वो ब्लाउज एंड चोली में वर्क जो हैवी हुआ है, तो हम चुन्नी को थोड़ा लाइट ही रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरह से मेरे ये 3 ड्रेस मैंने आपको दिखाई हैं। तो कुछ ये था मेरा फेस्टिवल के लिए कुछ लहंगा कलेक्शन, जो कि आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।